जयंत चौधरी जी और नीतीश कुमार जी तो आ गए. नीतीश कुमार जी तो आते जाते रहते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन अभी जो तस्वीरें आई उसमें ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी कोई मन मुटाव हो. ये आइडियोलॉजी और ये अलायंसेस होती कैसी हैं राजनीतिक लेवल पर? सिर्फ देखिए, मैंने मेरी पार्टी की पोजीशन स्पष्ट कर दी है. हमारी आइडियोलॉजी जनसंघ की स्थापना से आज तक एक ही जगह पे है. हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, नया फ्यूचर में हमारी आइडियोलॉजी में कोई बदलाव होगा. ये आइडियोलॉजी को देखकर जिसको सूट करता है वो लोग हमारे साथ आए, सभी का स्वागत. साउथ में अभी हमने देखा चंद्रबाबू नायडू जी मिले प्रधानमंत्री से, आपसे, उसके बाद जगनमोहन रेड्डी जी आए. तो आंध्रा में भी एनडीए का विस्तार हो रहा है. देखिए नाविका, पूरी सरकार आप मंच पर से नहीं बना सकती, समय का थोड़ा राह देखिए, कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा. अच्छा, अकाली दल तो पुराने आपके साथी थे, अब पंजाब में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो क्या अकाली दल वापस? अभी कुछ तय नहीं हुआ है मगर बातचीत चल रही है. मैं पूछना चाहती हूँ, आपको चुनाव और राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आपके विपक्ष के ऊपर जो कुंभा आपका बढ़ रहा है, या वाकई एनडीए बनाना और उसका विस्तार करना कहीं ना कहीं अब आपकी आइडियोलॉजी में है? नहीं, पहले से ही हमारी आइडियोलॉजी के समर्थक और हमारी आइडियोलॉजी को इसका विस्तार करना भारत के हर क्षेत्र में पहुंचे, ये हमारा एजेंडा ही है. 1950 से है, आज से नहीं है. और 1950 से हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी लेकर निकली है वो आइडियोलॉजी कभी देश का कल्याण नहीं कर सकती. इस देश की नीतियां इस देश की जमीन की मिट्टी की सुगंध से बनी हुई होनी चाहिए, इस देश की परिस्थिति से जनरेट होनी चाहिए और इस देश की अनुकूलता से बनी हुई. किसी भी देश की पॉलिसी इम्पोर्ट नहीं हो सकती. कोई 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की आबादी वाले देश का पॉलिसी भारत में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो. यहाँ की जमीनी वास्तविकता, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक विसंगतताएं, सामाजिक स्ट्रेंथ हमारी, ये सबका विचार कर पॉलिसी बनती है. तो हमने तो शुरुआत से ही हमारा एक अलग मत अलग पॉलिसी देश के सामने रखा था. स्वाभाविक था क्योंकि हम बहुत छोटे भी थे और एक कांग्रेस के पास आजादी के बाद का एक बहुत बड़ा यश भी था, तो हमें पनपने में हमें बढ़ने में बड़ी देर लगी. मगर मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से 2014 2019 के चुनाव हुए और 24 के होने जा रहे हैं, भारत के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकृति मिलेगी. मैं सवाल ये भी पूछूंगी, आपने ही कहा कि इस देश की मिट्टी की सुगंध होनी चाहिए पॉलिसी में, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी इम्पोर्टेड है? मैंने ऐसा नहीं कहा है. ज्यादा मेहनत करे बगैर, ज्यादा विचार विमर्श करे बगैर, उस वक्त दुनिया में जो प्रचलित था, चलन में था, इसको स्वीकार कर लिया. मनसा होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, इतनी भी एक्सरसाइज करी होगी नहीं करी होगी मुझे मालूम नहीं, मगर हमने इसको हमेशा भारत के अनुकूल बनाना चाहे. जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून जो 160 साल पुराने थे, हमने उसको भारतीय न्याय के कंसेप्ट के हिसाब से रीबिल्ड करा है और उसमें दंड की जगह न्याय को केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास किया है. और ढेर सारा इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध भी है. और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जब ये कानून पूर्णतया इम्प्लीमेंट हो जाएंगे देश के हर कोने में, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत. और कोई भी केस भारत के किसी भी कोने में रजिस्टर हो, 3 साल के अंदर उसको अल्टीमेट न्याय मिल जाएगा. इस प्रकार की पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था ये 3 कानूनों से होगी. लेकिन विपक्ष कहता है कि ये थोड़ा सा रिसाइकल्ड लॉ है जो आप लेकर आए. देखिए, मैं नहीं समझता कि विपक्ष किस तरह से, क्या विपक्ष से अपेक्षा भी नहीं कर सकते, उनको विरोध ही करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इतने समय तक चलाए हैं. मगर आप
जब एक विपक्ष कहता है, इसका एनालिसिस भी नहीं करते, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट ही नाते, कि इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानूनों में टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं थी, संगठित अपराध का कोई चैप्टर ही नहीं था, आर्थिक अपराध नाम की कोई व्याख्या ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी का कोई स्थान नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई जगह नहीं थी, FSL का कोई जगह नहीं था, परिपत्रों जैसा कानूनी प्रोविजन नहीं था, जल्दी न्याय देने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कम से कम मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर 600 में से 400 से ज्यादा धाराएं बदली गई और 65 धाराएं नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब इसमें भी इनको ये दिखता है तो मुझे लगता है कोई सीरियस टाइप का थॉट ही नहीं है, कोई स्टडी करने की टीम नहीं है, कुछ विरोध की मानसिकता से बैठे हुए एनजीओ जो कागज पकड़ाते हैं वो पढ़ जाते हैं, उनको भी शायद मालूम नहीं होगा कि आज हम क्या बोलकर आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है, क्या इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां आपको एक साथ ऑपोजिशन दे पाएंगी जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था? देखिए, चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है, ये चुनाव घोर निराशा और उज्जवल भविष्य के बीच में है। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त शासन और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन से, ये चुनाव टेररिज्म के साथ बातचीत करने वालों के बीच में, टेररिज्म के साथ बातचीत करने की पॉलिसी वालों के और टेररिज्म को खत्म करने की पॉलिसी वालों के बीच में, ये चुनाव देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने के दलों के बीच में और फॉरेन पॉलिसी की आड़ में देश की सुरक्षा के साथ कोताही बरतने वालों के बीच में है। ये चुनाव 80 करोड़ गरीबों के जीवन में पूरी सुविधा एक 10 साल के अंदर देकर उनको भारत के विकास के साथ जोड़ने वाले लोगों के बीच में और गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर वोट लेने वालों के बीच में है। ये चुनाव बिल्कुल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, ये चुनाव भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये चुनाव भारत के आने वाले दिनों के एजेंडा के साथ। और विपक्ष कितना भी कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास करे, देश की जनता ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में 2037 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सृजन करना है।